दमन के वरकुंड मुख्य मार्ग पर एक कार चालक ने दो महिला को टक्कर मारने की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल 17 जुलाई 2019 के सुबह करीबन 8:30 बजे के आसपास वरकुंड स्थित वीरादा ढाबा के सामने के मार्ग पर पैदल जा रही दो महिलाओं को एक कार चालक ने लापरवाही पूर्वक स्विफ्ट कार नंबर MH02AU8810 चलाकर टक्कर मारकर वहां से फरार हो गया था, जिसमें एक महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और दूसरी महिला को एम्बुलेंस के जरिए वापी के हरिया अस्पताल इलाज हेतु भेजा गया था, जिसे सिर पर एवं शरीर के अन्य हिस्से में गंभीर चोटें आई है और जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी और कार्यवाही शुरू कर दी थी। दोनों महिलाओं का नाम इस प्रकार है, आशा विश्वनाथ मिटना उम्र 36 और मीना हेमंत मिटना उम्र 35। दोनों ही महिला वरकुंड के कुंभारफलिया की निवासी है। दोनों महिला सेलो कंपनी में काम पर पैदल जा रही थी, तभी उनके साथ यह दुर्घटना घटी थी। दुर्घटना कर फरार हुए चालक ने अपनी ब्लू रंग की स्विफ्ट कार खारीवाड़ स्थित यस बैंक के पीछे छोड़कर वापस फरार हो गया था। पुलिस ने दफा 273, 304A IPC and Section 177, 184, 134A BOF MV Act के तहत गुना दर्ज कर आगे की जांच चालू रखी है। आपको बता दें कि निर्मम हुई इस दुर्घटना का शिकार हुई महिलाएं गरीब परिवार से थी और अपना परिवार का गुजारा नौकरी कर चलाती थी। ऐसे में दुर्घटना में मृत हुई महिला के दोनों बच्चों के सिर से मां का सहारा छीन गया था। वहीं दूसरी ओर अन्य घायल हुई तीन बच्चों की मां अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच झूले खा रही है। इस दुर्घटना से आहत हुए वरकुंड मिटनावाड़ के स्थानीय ने दुर्घटना करने वाले कार चालक को जल्द ही हिरासत में लेकर उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही कर दोनों महिलाओं के परिजनों को योग्य मुआवजा मिले, इसकी मांग रखी है। જાતી હતી બેનું એનો એક્સિડન્ટ થયું છે ખજુરાબારીએ એ તો છે ને નોકરી જતા હતા એની બસ મિસ થઈ ગઈ તો એ આજે એ લોકો પેદલ યાત્રા જતા હતા તો એ લોકોને ગાડીવાળે ઉડાવી દીધી ને સીનાજી સ્કૂલની થોડા આગળ એક આમના જે એનું નામ આશાબેન છે ને એકનું નામ સમાધિબેન છે આશાબેન વિશ્વનાથ મિટના ને સમાધિબેન હેમંતભાઈ મિટના એની ઉંમર આશાની 31 વર્ષ છે ને સમાધિની 37 વર્ષ છે પોલીસે ઇન્કવાયરી ચાલુ છે એની પ્રોસેસ ચાલુ છે પોલીસ 5 વાગે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર થવાનો છે એ સવારના 8:45 વાગે એ ફરાર થઈ ગયેલો એમએચ પાર્સિંગ છે ગાડીની ને એ ડ્રાઈવરની હજુ મને કંઈક ખબર નથી પડી છે આ કંપનીએ એને છે નાના 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 છોકરા છે કંપનીએ એને કંઈ આપવું જોઈએ ને એને કંપની ફરજિયાત આપવું જ જોઈએ કે 4 વર્ષ થઈ ગયા એના નોકરી કરી છોકરા એક તો 8 વર્ષનો છે અને એક છોકરી 6 વર્ષની છે એના 3 છોકરા છે એક છોકરી ને 2 છોકરા છે એ બી ગંભીર જ છે તો એના માટે બી કંઈ સરકાર આપવું જોઈએ કંપનીએ